राजकीय कन्या महाविद्यालय की गायन कक्षा की बालिकाएं पहुंची कलेक्टर के पास अपने एग्जाम में गायन व्याख्याता लीलू व्यास को बैठाने की मांग। राजकीय कन्या महाविद्यालय की गायन कक्षा की बालिकाएं आज अपनी टीचर के साथ कलेक्टर के पास पहुंची। इनका कहना है कि इनको पूरे साल एक ही टीचर ने पढ़ाया जिसका नाम है लीलू व्यास और अब एग्जाम कोई और टीचर लेने जा रही है जिसकी वजह से बच्चों में फेल होने का डर है, इसलिए आज कलेक्टर के पास गुहार लगाई कि एग्जाम व्याख्याता लीलू व्यास द्वारा ही लिया जाए। दर्शिका शर्मा मेरा नाम है, हम लोग गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से हैं। हम लोग बीए फाइनल ईयर म्यूजिक के स्टूडेंट हैं। एक्चुअली में हमारी क्लास साल भर मैम ने ली है और बहुत प्यार से हमें मैम ने सिखाया है। हमने कभी उन मैम से आज तक क्लास नहीं ली और एटलीस्ट फाइनल में आके हमें बोला जाता है कि हमारे एग्ज़ाम उन मैम के पास आएंगे, जबकि रेणुका मैम। एंड मोस्टली बात यह है कि अगर कॉम्पिटिशन्स में भी जब कभी उन मैम ने हमसे प्यार से बात नहीं की तो हम एग्ज़ाम में उनके साथ में बैठना हम वो चीज़ सहन नहीं कर सकते। और मैम सर बात यहाँ आती है एग्ज़ाम्स की, तो जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं प्रैक्टिकल्स तो वहाँ पे हमें सर सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि बाहर इंटरनल के सामने एग्ज़ाम देना इतना ईजीली पॉसिबल नहीं है। तो मैम हमें बहुत इमोशनली मेंटली बहुत सपोर्ट करते हैं कि ये स्टूडेंट साल भर बहुत अच्छे रहे हैं, अगर प्रैक्टिकल्स टाइम पे ठीक नहीं कर पाते हैं तो सर ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमें बहुत हेल्प की ज़रूरत है। नहीं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जिन मैम के साथ में हमने कभी आज तक क्लास नहीं ली है, कभी उनसे बात नहीं की है, और जो मैम आके हमें अगर तुम नहीं आओगी क्लास में, यहाँ से एमए नहीं करोगी तो तुम्हें फेल कर देंगे, 36 नंबर मिलेंगे, तो सर हम उनसे एग्जाम क्यों देंगे। नहीं सर, मैम नहीं चाहिए सर, बात ये नहीं है, जबकि जब हमने मैम से साल भर हमने मैम से क्लास ली है तो हम बस यही चाहते हैं कि हमारे साथ में इस चीज़ में ये अन्याय नहीं हो कि हमारी मतलब इंटरनल मैम हमारे साथ में नहीं बैठे। मेरा नाम दर्शिका। हम लोग सभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने और उनको अवगत कराने के लिए आए हैं। मेरे साथ मेरे प्रिय शिष्य हैं सब, बीए प्रथम वर्ष की गायन की लड़कियाँ और बीए तृतीय वर्ष की, क्योंकि ये सभी बच्चियाँ एक साल से मेरे से सीख रही है और मेरे पास रजिस्टर में सारी ये जानकारी है कि 1 से 6 तक मैंने इनके प्रैक्टिकल लिए हैं, मतलब 6 डेज तो प्रैक्टिकल फुल डे मैं ले रही हूँ और 2-2 दिन इनकी छोड़ी थी तो वो भी ले रही हूँ। ये बच्चियाँ सिर्फ मेरे से सीख रही है और रेणुका जी का उसमें कोई मतलब उसमें उनका कोई हाल नहीं है और उनका कोई वर्चस्व है, और वो आवंटित खुद ही करके हमको दे के अब कह रही है कि एग्ज़ाम वो अकेली लेगी, जबकि उनके पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और एमए प्रीवियस और एमए फाइनल है, और एमए प्रीवियस को भी मुझे आमंत्रित किया गया और साल भर तक उनको यह कहकर रोका गया कि लीलू व्यास की क्लास में कोई जाएगा तो मैं फेल कर दूंगी। ये बात मैंने प्रिंसिपल साहब को लिखित में दी है जरिए डाक के और ऊपर उच्च अधिकारियों तक भी पहुँचा दिए, परंतु ये मान नहीं रहे हैं। प्रिंसिपल साहब जो कार्यवाहक प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, वो छुट्टी पे थे और अब बताया जा रहा है कि वो कहीं गाँव चले गए, किसी के शादी में गए हैं और एमपी साइड में बता रहे हैं इंदौर में। और उसके बाद जो कन्वीनियर आते हैं वो है उमेश भार्गव जी, वो तो कितने दिनों से छुट्टियों में हैं, उनकी बेटी की शादी है तो वो भी नहीं मिल रहे हैं, और कन्वीनियर जो थे तीसरे उन्होंने भी छुट्टी मार ली है और अब कोई भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है जिनको हम अपनी ये तथ्यों से अवगत कराएँ या हमारा लिखा हुआ उनको दें, ताकि ये कह सके कि हमको क्या पता कैसे एग्ज़ाम हो गया। ये अपने छुटकारा लेने के लिए इसे प्लान करके षड्यंत्र करके हमारे बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो मैं एक प्रोफेसर के नाते आज तक मैंने किसी कॉलेज में काम किया है मैं होने नहीं दूंगी। और मैंने अपनी पूर्ण निष्ठा से जो बच्चों को तैयारी करवाई है तबले के साथ और गायन के साथ, वो हमको तबला तक नहीं दे रही, हमें तबले नहीं दे रही, गायन की वाद्य नहीं दे रही है, और हमारे साथ इतना नाइंसाफ़ी हो रहा है, इसके लिए हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं और जा रहे हैं। और आप सभी से मैं ये निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी हमारे बच्चों के खिलवाड़ के लिए थोड़ी हमारी सहायता करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे बच्चे हैं इसमें तो 32 बच्चे गायन में तो ये प्रथम वर्ष में, और बाकी के 12 बच्चों मैंने सितार में सितार को भेज दिए ताकि सितार भी नहीं उठे, मैंने मोटिवेशन किया, इन्होंने तो बंद करने के रूप में थी, पहले भी इन्होंने बीए एमए बंद कर दिया था और अभी भी इन्होंने कोई कोशिश नहीं की। इस बार मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा, वो सुनते ही नहीं है, इधर से सुनते उधर और हंस देते हैं, हो जाएगा ऐसे कहते हैं, और मैंने उनको फ़ोन पर कहा तो नहीं ऐसा होगा ही नहीं, और दूसरे दिन ही इसने चस्पा कर दिया ये लिख के कि जो लड़कियाँ नहीं आएगी सब की परीक्षाएं मैं लूँगी, लीलू व्यास का उसमें कोई नाम नहीं है, ना मेरे को मौखिक रूप से बताया गया और ना मुझे लिखित में कुछ दिया गया, ना मुझे अवार्ड लिस्ट दी गई। बच्चों को नुकसान होगा क्योंकि बच्चे म्यूजिक में इंटरनल जो होता है वो बहुत सपोर्टर होता है और बहुत रीढ़ की हड्डी होता है, हम बताते हैं कि ये बच्चा साल भर अच्छा गा रहा था आज बीमार हो गया,
तो उसमें बच्चों की जो ये नंबर कम कर देगी, और बच्चे कम नंबर के देने के लिए फेमस आप TR देख सकते हैं, बार बार कह रही हूँ, ये 36 नंबर देती है और कहती है कि मैं तो फेल कर दूंगी। परीक्षाएं कल से ही है, कल से इसके हिसाब से, तो कल से, कल और परसों, कल है ये प्रथम वर्ष की गायन की और परसों है तृतीय वर्ष गायन की। ये परेशानी तो शुरू से ही आ रही है सर, पर मुझे ऐसा पता प्रतीत नहीं हो रहा था कि ये मुझे बिठाने ही नहीं देगी, क्योंकि हर साल मैं बैठती आई हूँ, ये हर साल मैं बैठती हूँ, परंतु मैं लीलू व्यास व्याख्याता, वरिष्ठ व्याख्याता संगीत गायन, और है ना, मैंने हमेशा अपने बच्चों को अच्छे नंबर।